Hello everyone, welcome again. And this video I'm going to continue the Java tutorial in Hindi. So last videos में आपने देखा था inheritance के बारे में, हमारा series चल रहा था inheritance के बारे में. आपने देखा था कि inheritance क्या होता है, आपको पता चल गया. इसके बाद inheritance के type कौन-कौन से होते हैं, किस level से हम class level inheritance को achieve करते हैं, किस level से, किस type से interface level inheritance को हम achieve करते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है. उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं करता है, और अगर उसको सपोर्ट करवाना है जावा में, उस टाइप का मैकेनिज्म अचीव करना है हमें, तो हम किस टाइप से उसको कोड करेंगे, किस टाइप से हम लोग इंटरफेस का यूज़ करेंगे. आपको थ्योरेटिकल नोट चाहिए तो मैं लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप जहाँ से जाके नोट्स देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं. अगर पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं रिफ़र करूँगा, इससे पहले आप पुराने वाले वीडियोज़ देखें अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है इनहेरिटेंस का, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. तो आज हम इसको देखेंगे कि सुपर कीवर्ड क्या होता है. सुपर कीवर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इस वीडियो में हम लोग ये चेक करेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. मेथड ओवरराइडिंग भी एक इनहेरिटेंस से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें कि ये चेक करना होगा कि हम लोग किसी मेथड को जब हम ओवरराइड करेंगे. ओवरराइड का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई चीज़ पहले से डिफाइन है, मैं उसको जाके चेंज कर दूँ, मैं उसके अपनी अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अनुसार या मेरी ज़रूरत के अनुसार मैं उसको चेंज कर लूँ और मैं ये उसका यूज़ कर लूँ. सीधा सा मतलब इसका ओवरराइडिंग हुआ. तो आपको अगर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अगर पता है, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक सब क्लास होती है. अब मैं चाहता हूँ कि मैं पेरेंट क्लास की किसी क्लास मेथड को यूज़ करूँ, बट मैं उसको अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार मैं उसको चेंज करके यूज़ करूँ, मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दूँ और मैं उसको यूज़ करूँ, मेरा नाम और सिग्नेचर मेथड का नाम सेम रहेगा. तो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ करेंगे. इस प्रैक्टिकल के लिए मैं Eclipse IDE यूज़ करता हूँ हमेशा की तरह. तो इसको रन होने का वेट करते हैं हम लोग. ओके, तो मेरा एडिटर रन हो चुका है. ये हमारा लास्ट वीडियो का एग्जांपल है, इसको कि मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, और एक क्लास इसमें से हटा रहा हूँ मैं, सॉरी इंटरफेस, और क्लास बी को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं क्लास में, इंटरफेस बी को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं क्लास में, और इसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया मैंने शो नाउन से. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस शो में मेथड प्रिंट, मैसेज प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, इसमें मैसेज प्रिंट हो रहा है हेलो आई एम फ्रॉम बी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ रन टाइम पे. हम ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग. अब मैंने एक्सटेन कर लिया क्लास बी को, अब मैं चाहता हूँ कि सेम नाम रहे मेरी मेथड का, मेरी मेथड का नाम भी सेम रहेगा, सिग्नेचर भी सेम रहेगा. मैंने लिया वॉइड शो, अब मैं वॉइड शो पे क्या करना चाहूँगा, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा. प्रॉपर्टीज मैंने मतलब इसके बिहेवियर को चेंज करूँगा. बिहेवियर मतलब जो भी मैसेज प्रिंट कर रहा है, इसका मैसेज मैं चेंज कर देता हूँ हेलो आई एम ओवरराइड एंड नाउ आई एम फ्रॉम. ओके, तो ये मैसेज कर रही है कि मैं ओवरराइड हो चुकी हूँ और अब मैं क्लास ए से हूँ. और जैसे मैंने इसको कॉल किया, तो हम देखते हैं कौन सी मेथड कॉल होती है. प्रोग्राम को रन करूँगा. ओके, आप आउटपुट देख सकते हैं हेलो आई एम ओवरराइडेड एंड आई एम फ्रॉम. तो ये आउटपुट आया, ये आउटपुट इसलिए आया क्योंकि हमने क्या करा, इसको ओवरराइड कर दिया. हमने क्लास बी को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद सेम मेथड, सेम नाम, सेम सिग्नेचर. यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप भी वॉइड है, वॉइड है, नेम भी सेम शो शो है, एंड हमने सिर्फ उसका मैसेज, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया. और जब मैंने कॉल किया ऑब्जेक्ट पे, तो उसने इसको कॉल किया. तो हमने कहीं ना कहीं एक मैथड को ओवरराइड किया है. ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ओवरराइडिंग काम करती है. अब हम कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड होंगे और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन रूम में आ सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपको हेल्प करेंगे. एक सेपरेट वीडियो इनहेरिटेंस में एक वीडियो और बनेगा, वो होगा सुपर कीवर्ड के ऊपर, सुपर कीवर्ड को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके प्रैक्टिकल यूज़ होंगे. तो पहले ही मैं कुछ क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप क्या हैं, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों उसको जावा से हटाया गया है,
नेक्स्ट हमारा है मेथड ओवरराइडिंग। ये भी आपको मैंने अभी बता दिया ओवरराइडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बनता है, कैन वी ओवरराइड ए प्राइवेट मेथड इन जावा। तो सीधा सा मतलब है नहीं। एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसको बोलते हैं प्राइवेट, कुछ डिफरेंट होते हैं। मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल कवर करूँगा इसमें एक्सेस मॉडिफायर में। अभी इतना समझ लीजिए, प्राइवेट मतलब मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर मेरी कोई चीज़ अपनी प्राइवेट चीज़ है तो मैं उस प्राइवेट चीज़ को किसी दूसरे को कैसे एक्सेस करने दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको प्राइवेट बनाया मैंने और ये इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज़ करेगा नीचे जाके। अगर एक्सटेंड कर रहा है क्लास बी को तो क्लास ए इसको यूज़ करेगी, बट प्राइवेट है तो इसका यूज़ नहीं कर सकते हम। तो आंसर इज डायरेक्टली नो। सिंस अ मैथड इज़ प्राइवेट इज़ नॉट विजिबल टू अदर क्लासेज, हेंस द ड्राइव क्लास डज नॉट इनहेरिट दिस मैथड। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड इन जावा? नो, स्टैटिक को भी हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक जो पार्ट होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है। एक्चुअली हम ओवरराइडिंग जब परफॉर्म करते हैं ओवरराइड तो रन टाइम पे करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे होता है। तो स्टैटिक जो मेथड होती है वो पार्ट होती है क्लास की, तो हम लोग ये भी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इनहेरिटेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन जावा? हाउ इनहेरिटेंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन जावा? तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए हम या तो क्लास को एक्सटेंड करेंगे या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई भी एक क्लास क्लास बी को एक्सटेंड करती है, मतलब क्लास एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, बट एक क्लास अगर इंटरफेस का यूज़ करेगी तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब आप दोनों अगर सेम यूज़ करेंगे, क्लास है राइट साइड में भी क्लास है लेफ्ट साइड में भी क्लास है, तो दोनों में एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा, अगर इंटरफेस है तो भी दोनों एक दूसरे को एक्सटेंड करेंगे, अगर क्लास इंटरफेस की बात आ जाती है तो वो दो एक दूसरे को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास क्लास बी है, क्लास ए है, क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड करिए क्योंकि यहाँ पे क्लास है, ठीक है। और एक और क्लास है मेरे पास क्लास सी। मैं बात करता हूँ इनहेरिटेंस इंटरफेस की, इंटरफेस तो इंटरफेस को भी हम लोग इंटरफेस को भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बस हमें इतना से यूज़ करना है वी एक्सटेंड बी। तो यहाँ पे भी हम एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज़ करना है, ठीक है। अभी क्या करना होगा, इसके लिए फोर्स करेगा कि वो सारी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें, और बट अभी हमने कोई मेथड इसमें डिफाइन नहीं करी है तो फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो एक क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, अगर कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहे तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, इंटरफेस भी हमारा यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस को, व्हाई वी नीड टू यूज़ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमें क्यों यूज़ करना पड़ा। कहीं ना कहीं हम इनहेरिटेंस यूज़ करके क्या कर रहे हैं कि कोड का रीयूज़ कर रहे हैं। हमने एक क्लास एक मेथड डिफाइन कर दी है पेरेंट क्लास में, तो हम उसको बार बार किसी भी चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, सिर्फ मुझे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना है। कैन ए क्लास एक्सटेंड इटसेल्फ? नो, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई क्लास है बी, मान लीजिए क्लास ए है और ये चाहती है कि एक्सटेंड करे खुद को, तो ऐसा जावा में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या सुपर कीवर्ड होता है, कैसा होता है। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट और मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियो के लिए, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले और आप उसको देख पाएँ। थैंक यू।